हेलो दोस्तों, द लोही धीमी आज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिश रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी का नाम है तेलापिया फिश बाहर। दो तेलापिया मछली लिया है। इसको पहले अच्छी तरह पानी से क्लीन करके नमक और हल्दी पाउडर डाल के रख दिया था। अभी फिश को फ्राई कर लेना है। पैन को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देते हैं और मछली डाल देते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। दोनों तरफ से मछली फ्राई हो गया है। मछली को उठाकर अलग प्लेट में रख देती हूँ। मैंने मछली तलने के लिए 2 चम्मच तेल यूज़ किया था। मैं और तेल इसमें नहीं डालूँगी। 1 लाल सूखा मिर्च डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। मैंने 1 बड़ा साइज का प्याज लिया है। नमक डाल देना है। नमक डालने से प्याज अपना नमी छोड़ देती है। इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैंने ये पेस्ट बनाया है। इसमें अदरक 1 इंच, लहसुन 3-4 और टमाटर 1, हरी मिर्च 2 डाली है। 1 कटोरी में थोड़ा पानी डाल के हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिला के एक पेस्ट बना लेना है। ये इसमें डाल देते हैं। सब मसाला 1/2 चम्मच करके मैं लिया है। मैंने बहुत कम ऑयल इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिया है, वो डाल देते हैं। मिक्स करेंगे। 2 कप पानी डाल के कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद आलू पका है या नहीं चेक करेंगे। आलू पक चुका है। अब इसमें तेलापिया मछली डाल देते हैं। ग्रेवी में मछली को हल्के हाथों से डुबो देना है। ये रेसिपी बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है मैंने, लेकिन स्वाद बहुत अच्छी आती है इसकी। आप सब ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। फिर 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। इसको चेक कर लेते हैं। मछली रेडी हो गया है। इसका ग्रेवी मैं सूखा ही रखूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। कटा हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। तेलापिया फिश बाहर रेडी हो गया है। इसे स्टीम राइस के साथ खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए टिप और रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।